कर दोस्तों, MCG एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, RPF के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं। लगातार अपडेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि RPF में जो कोई भी किस प्रकार के काम हो रहे हैं, क्या धांधलीबाजी चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, किस प्रकार से सिलेक्शन हो रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ये सब कुछ के लिए आपको सारी वीडियो देखनी होंगी। साथ ही साथ सूचित करना चाहूँगा, 1 तारीख से जिन भी बच्चों का ट्रेड टेस्ट है, उन सभी के लिए नीचे RPF ट्रेड टेस्ट नाम से चैनल मैंने बनाया है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। सभी डिफेंस कितने भी एग्जाम होंगे उनके बारे में सारी अपडेट आप लोगों को वहीं मिलेगी। साथ ही साथ फिलहाल वो इसका टारगेट ये है कि जितने भी डिफेंस के बच्चे हों उन सभी बच्चों को इकट्ठा करना है। ओके, तो जो कि भी आप लोगों का प्रमोशन या कंडीशन जो कुछ भी हो, तो आप लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ आगे से हर एक वीडियो आप लोगों को 1 तारीख से उसी चैनल पर उपलब्ध होगी, क्योंकि इस चैनल पर हमारी एकेडमी क्लासेज जो है शुरू हो चुकी हैं। तो आप लोगों को इस चैनल पर अब आगे से मैं उपलब्ध नहीं करवा सकता, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ प्रत्येक वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे क्या है कि बंदों तक अपनी आवाज़ पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। हाँ नमस्कार सर, मैं MCG अकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते सर। सर, आपका सर मैं शुभम जोशी बोल रहा हूँ। ट्रेड टेस्ट किस दिनांक में था सर? सर मेरा 23 तारीख में था, हाँ, 23 तारीख में था सर। बताइए और सर, सर मेरा आज सर मेरे भाई का था। आज आपके भाई का था? हाँ, तो सर मैं क्या 22 को मैं इधर से गया। हाँ सर, बताइए किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है मतलब। सर मैं तो उधर अंदर जब गेट पे पहुंचा मैं 4:30 करीब, हाँ तो मैं लाइन में था सर। हाँ सर, उसके बाद मेरा एडमिट कार्ड और वो आधार कार्ड चेक करा गया, हाँ उसके बाद अंदर ले लिया गया। हाँ तो अंदर पहले बिठाया गया सब बच्चों को, फिर हाँ सर, बीस बीस बच्चा करके अंदर ले जाया गया। हाँ सर, उसके बाद अंदर भी एक जगह और बिठाया गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका फिजिकल है ना, वो किस डेट में हुआ था, बैच नंबर क्या था। तो उसको उनने बोला कि अपने जो हैंड है उस पे नोट करिएगा। हाँ, उसके बाद सर सबसे जो जहां पे वो चल रहा था ट्रेड टेस्ट, हाँ सर, सर उधर बुलाया गया। तो क्या है कि जो 20 बच्चों का ग्रुप था, दस दस करके बुलाया जा रहा था, 10 10। हाँ सर, 10-10 बच्चों को ग्रुप करके बुलाया। तो सर हम लोग को जो अंदर बुलाया, तो सर क्या हुआ कि हम जो ऑफिसर्स लोग बैठे हुए थे उनके सामने हमको खड़ा कर दिया गया और हमसे नाम पूछा गया। उसके बाद क्वालिफिकेशन कहाँ से आए हो, और सर झाड़ू पड़ा हुआ था तो सब बच्चों से थोड़ा साफ करवाया, ओनली थोड़ा, और कुछ नहीं देखा सर उनने, ना ही कोई क्वेश्चन किया किसी बंदे से। फिर हमको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया गया एक जगह, जो हमारे पीछे 10 बंदे थे उनको बुलाया गया। फिर उनसे यही करवाया, उसके बाद उनको भी बाहर कर दिया गया। उसके बाद 1 2 घंटे बैठाया जाता है, उसके बाद एक आता है एक सर, हाँ सर तो बोलिए। हाँ, तो वो एक एक स्लिप लेके आते हैं, उसमें से वो एक बंदे का नाम पूछते हैं कि ये शर्मा कौन है, हाँ तो उस बंदे को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। हाँ उस बंदे को सिलेक्ट कर लिया, तो हम लोगों ने पूछा सर ये क्या है। सर सेम सब कुछ हुआ, हाँ सर, हाँ, तो सर पूछा, तो हाँ उन्होंने सर कुछ नहीं बताया, उनने कहा तुम खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया, हाँ तो सर उनने कुछ नहीं बोला। कहीं बहुत जाने के बाद तुमने उधरी साहब लोग से क्यों नहीं पूछा, तो हमने बोला कि सर उधर उनने सब बंदों को साथ में निकाला, किसी से कुछ पूछा ही नहीं। तो सर हमने सोचा कि हो गया होगा हम लोग का, हाँ लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उनसे बोला तो वो कह रहा है कि कोर्ट केस कर दीजिएगा। ऐसा हाँ सीधा ये मतलब कोर्ट केस कर दीजिए आप। हाँ तो सर वो क्या थी, कांस्टेबल था, जो एक कांस्टेबल था वो कह रहा था, कह रहा है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सर फिर क्या हुआ कि जो हमें ग्रुप में सब लड़के थे, एक को सिलेक्ट कर लिया उनने 20 में से। सर एक और ऑफिसर आता है और एक लड़के का एडमिट कार्ड लेके आता है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद। मतलब वो पहले नाम हो जाता है, उसके बाद एक और को। हाँ, उसको बुलाते हैं कि अच्छा ये कौन है, इधर आओ तुम। सीधा ये नाम लेके, जैसे भैया कोई भी, विपिन करके, कि विपिन सीधा आओ, कोई एडमिट बोला कार्ड कि नहीं, कुछ नहीं, मतलब सीधा विपिन तुम इधर आओ। हाँ सर। सर कोई लिस्ट में नाम नहीं, फिर भी कोई लिस्ट बना ही नहीं रहा था सर,
ऐसा कैसे हो सकता है सर? कैसे सर मतलब ऐसा कैसे हो रहा है सर, समझ नहीं आ रहा है सर। सर, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है ही, यदि इस प्रकार से सब कुछ चलेगा तो गड़बड़ तो मानी जाएगी। यदि सब कुछ ऐसे चलेगा तो गड़बड़ तो मानी ही जाएगी। क्राइटेरिया क्या है सर, वही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, किस बेस पे तय कर रहे हैं ये लोग। है ना सर, या कुछ करवाया जाता हम लोगों से, या कुछ में हमें अनक्वालिफाइड करा जाता, तो सर तू कुछ था ना। अभी तो समझ में ही नहीं बना कि किस कारण से हुआ फाइल। क्या अभी तो समझ में ही नहीं बना किस कारण से बाहर हुआ। सर, दोबारा से बोलिएगा। अभी तो समझ में ही नहीं आया कि मतलब कैसे बाहर कर दिया। हाँ सर, वही तो सर, ये समझ में ही नहीं आया कैसे बाहर हुआ। सभी लोगों के साथ यही हो रहा है सर। सर कोई क्राइटेरिया तो बताते, है ना सर, कुछ समझ में नहीं आया सर। फिर अब इसके लिए सर और जो बंदे थे और लड़के थे, हाँ तो हम लोग बाहर निकले, हमने कहा अब क्या किया जाए, हाँ तो हमने क्या करा कि एक ग्रुप बनाया सब हाँ लड़कों ने, हाँ तो हमने एक दूसरे का नंबर ले लिया है, हाँ तो पूछते हैं, हमने कहा अब आपसे जुड़ा हुआ था, मैं आपकी वीडियो देखता था काफी दिन से, हाँ तो मैंने कहा सर को करूंगा मैं इन्फॉर्म, तो हाँ सर ये गलत है ना, बच्चों के साथ गलत हो रहा है सर। मैं मेरा फिजिकल सिकंदराबाद हुआ था सर, हाँ और सर मैं बिलोंग झांसी से करता हूँ, कितना दूर मतलब? समथिंग समथिंग सर 3,000 किलोमीटर। वही तो मैं कह रहा हूँ, कितना दूर? उसके बावजूद भी नो रिस्पॉन्स। हाँ सर ऐसा है ना, अगर कोई कोई बता के कुछ करा जाता कि हाँ इसमें तुम फेल हो, है ना, तो सर हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि हाँ भैया हमसे हुआ है मिस्टेक, इसकी वजह से हम बाहर हो गए हैं, सर कुछ बताया ही नहीं है। क्या किया है सर अब? अब इसके लिए तो अपन को कुछ देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो कुछ ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं। प्लीज सर कुछ करिएगा, जितने भी हम बंदे हैं ना, हम आपके सब साथ देंगे। सर इसी कारण से तो मैं ग्रुपिंग में भी कर रहा हूँ। पहले ये ट्रेड टेस्ट हो जाने दीजिए, किस हद तक अपने साथ, कितने बंदे अपने साथ हैं। और सर पता ये हो रहा है ना कि जैसे किसी लड़का, कोई लड़का जैसे स्टार्टिंग में जब लाइन लगाते हैं ना गेट के अंदर, हाँ तो जब आते हैं जो साहब लोग, और वो कोई कोई से बंदे को नाम बुला के बाहर बुला लेते हैं, उसका एडमिट कार्ड देखते हैं, बात करते हैं, उसके बाद लास्ट टाइम देखा जाता है कि वही बंदा सिलेक्ट हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? तो सर पता नहीं ये कैसे हो जाता है सर। उसका जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। सर ये तो पता नहीं है कि जान पहचान है कि नहीं है, ये कैसे कह सकते सर, ये नहीं कह सकते ना कि पहचान है उसकी कि नहीं है, क्या है क्या चल रहा। ये भी आपका कहना सही है। सर क्या है कि मेरा मार्क्स भी बढ़िया था, मेरे सर 42 मार्क्स था, हाँ तो सर फिर प्रॉब्लम होती है ना कि कोई क्वालिफाई करे, उसके बाद फिजिकल क्वालिफाई करे, उसके बाद उसके साथ ऐसा होता है, प्रॉब्लम होती है ना सर। सर ये भी आपका कहना सही है सर, बुरा तो लगता है। फिर मेरे वो ही सर, मेरे ऐसा हो, अगर इसमें कुछ चल नहीं रहा होता ना सर, तो मेरे भाई का ऐसा, ठीक है मैं बाहर हो गया किसी कारण से, तो मेरे भाई भी बाहर हो गया सर। एक आदि का तो होना था हाँ सर, सर। इसके लिए कुछ बंदे क्या है कि सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो लोग मना करते हैं, और कुछ बंदे जो रह जाते हैं वो कहते हैं कि मतलब ऐसा हो रहा है। मैं एक तो एक सबसे बड़ी बात कि एक तो कन्फर्मेशन के तौर पर अपन सीधा डायरेक्ट किसी को दोषी नहीं मान सकते ना। सर अगर ऐसा हो सकता है, एक चीज हो सकती है सर, जैसे कोई बंदा भी जाता है जिसका ट्रेड टेस्ट नेक्स्ट डेट में होना, तो वो क्या कर सकता है कि कैमरा वगैरह, जैसे पेन में कैमरा वगैरह आता, वो लेके जा सकता है, उससे कंफर्मिंग हो जाएगी सर क्या होता है, आपको भी पता चल जाएगा सर, और अपने पास एक वो भी मिल जाएगा सबूत टाइप का, है ना। हाँ इतना कर ले कोई बंदा, ये जितने भी बंदे हमें सुनने वाले हैं, यदि कोई हाँ इतना हिम्मतदार हो इतना कर ले तो बस काम हो जाएगा। सर, वो मेरा हो गया वरना मैं कर सकता था ये। अब कोई बंदे क्या है, यही तो बात है, कोई बंदे क्या है कि वो उठाना नहीं चाहते बीड़ा। काम करना सभी बंदे चाहते हैं, बीड़ा उठाना कोई नहीं चाहता। सर ऐसा था कि जैसे 40 नंबर का ट्रेड टेस्ट था, है ना, उसमें इनको मार्क्स देने थे जो करवाएंगे ना, हाँ जैसे क्लीनिंग टैंक था, टॉयलेट क्लीनिंग था, बाथरूम क्लीनिंग था, झाड़ू लगवाना था, उसमें ये नंबर देते ना, अगर उसके बाद
अपन क्वालिफाई नहीं करते ना, तू था कुछ सर, 1 किलो था सर। हाँ फिर समझ में भी आता किस कारण से बाहर किया है। हाँ सर, फॉल्ट तो पता चल जाता कि हमारा फॉल्ट किधर हुआ। ये भी आपका कहना सही है सर। अब इसके लिए अपन को कोई विजुअलिटी तो रखनी पड़ेगी। समझ में नहीं आ रहा है क्या रखे हैं क्या नहीं रखे सारा। हाँ सर, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सफाई कितने प्रकार की होती है, क्या होता है। अरे कुछ तो कोई तो विजुअलिटी रखते हैं जिससे हम लोग हाँ डिसाइड कर पाते। हाँ सर, यह बाय बाय पूछा जाता है ना सर, ओनली नाम और क्वालिफिकेशन पूछा सर, इतने ही सिलेक्शन हो जाता है क्या? वही तो सर। और ट्रेड टेस्ट सर मैंने पहले भी दिया है सर, मैंने भी ESF का ट्रेड टेस्ट, तो सर मैं पहले कुक से था, तो सर क्या हुआ कि पहले मैं अंदर गया, तो सबसे पहले मुझसे उधर जब मैंने BSF का दिया था, उधर सर मुझसे पहले आटा दिया गया मुझे, तो रोटी बनवाई, फिर सर सब्जी बनवाया मुझसे, फिर सलाद वगैरह काटने को बोला, तो सर बाकायदा बढ़िया। हाँ मुझे लगता लगा था कि हाँ ये ट्रेड टेस्ट होता है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट में डाला था सर, वरना कोई काय को करेगा सर अप्लाई अगर ऐसा चल रहा है। यस, ये भी आपको कहना सही है। सर ये बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, सर आप तो कुछ नहीं कर सकते, मैं ही कुछ कर सकता हूँ। ओके सर मैं आपके साथ हूँ सर, ये नंबर आपका ही है ना। हाँ ओके सर, मैं जो जो लड़के थे मेरे साथ मैं सबको सेंड कर दूंगा ये नंबर ग्रुप में। हाँ नहीं मुझे ग्रुप में जोड़ दो, नंबर सेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके सर, ओके सर, मुझे ग्रुप में ऐड कर दो। उसके बाद क्या है कि मैं पहले बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ रहा हूँ। नीचे जो मैंने RPF ट्रेड टेस्ट का जो चैनल बनाया उस पर क्या है RPF वाले बंदे हैं, और उस पर जल्दी से जल्दी कमेटी कम्युनिटी चालू हो जाएगी। कम्युनिटी क्या है, मैं कोई भी मैसेज डालूंगा ना, जितने भी बच्चे हैं हल पहुँच जाएगा उन पर मैसेज। ओके सर, चैनल की कम्युनिटी चालू हो जाएगी, बंदे यदि वो सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना यार, तो उसके बाद अपन हाँ को और किसी से मतलब नहीं है, अपन को कम्युनिटी चालू करवानी। कम्युनिटी से क्या है, अपन कोई भी बात रखेंगे सब बंदों तक एक ही बार में पहुँच जाएगी। व्हाट्सएप का क्या टेंशन रहता है, व्हाट्सएप पे 257 लोग ही जुड़ सकते हैं, अपन को तो चाहिए बड़ी भीड़। यस सर, इसी कारण मैंने उसी को तैयार करना शुरू कर दिया। वो हो गया लगभग 700 लोग हो गए हैं, 300 लोगों की आवश्यकता और, उसके 300 सब्सक्राइबर और हो जाए। उसके बाद अपन कोई मैसेज डालेंगे तो पूरे 2000 लोगों तक हाल पहुंच जाएगा एक बार में। हाँ ओके सर। पता सर एक चीज और है इसमें, क्या है जैसे किया है कि सर वो 20-20 बंदों को बाहर निकालते हैं ना, हाँ 20 बंदों को पहले जैसे जो रिजेक्ट हो जाते हैं ना, जैसे 20 में से एक बंदा सिलेक्ट करा, 19 बंदे बाकी हैं, तो उनको पहले बाहर निकाल देते क्या सर, कि उससे कुछ उनका वो ना हो, है ना सर। हाँ अंदर कोई झिझक ना हो। हाँ नहीं सर वो नहीं होगी, हाँ बंदे जैसे एकदम बाहर निकलेंगे जो फेल बंदे हुए हैं, तो फिर वो एकदम हंगामा टाइप का करने लगेंगे, हाँ। तो भी वो सर 18-19 बंदे को बाहर निकालते हैं उसकी 1 घंटे बाद 18-19 को, क्योंकि सर उतने ही बंदे मिल पाते हैं ना फिर, कि हाँ अपन जैसे कोई कोर्ट केस करना भी चाहे तो सर वो नहीं हो पाता ना, कि बंदे ज्यादा हो तो सर कोई कोर्ट केस है ना कोई झेले सर। वही तो, ये इसी कारण तो सब कुछ तैयार तो करना पड़ेगा। हाँ सर, अगर ऐसा हो सकता है सर, मैं तो सोच रहा था सर उसी दिन, क्या है कि जो मेरे रिलेशन में है, जो मामा जी फादर हैं, तो मेरे पापा हैं जो SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर थे, मामा है अकाउंटिंग क्लर्क हैं, एक JAA हैं, तो क्या सर उनने बोला कि आप मीडिया को बुलाइएगा 2-4 लड़के मिलके, लेकिन लड़के हैं सर कुछ, करते ही नहीं है। हाँ सर जिसमें से एक्चुअल में दो कोई तीन करना लड़के चाहता तैयार नहीं, हो जाते हैं, कोई एक्चुअल में तैयार कोई नहीं करना होता है चाहता, सर। कोई नहीं करना चाहता सर। हाँ सर कुछ लड़के हैं सर जो हाँ हाँ वही तो मानते मैं कह रहा हैं, हूँ, बस बहुत ही, क्योंकि कोई भी बंदा आजकल करना ही नहीं चाहता, मैंने देख लिया सर। इसीलिए तो सर हो रहा है वो। इसीलिए तो वो अपने मन की कर रहे हैं बस, भाड़ में जान दो। हाँ सर, मुझे जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है कि पहले तो सबसे पहले वो RPF टेस्ट वाले चैनल पर जुड़ जाएं, उसके बाद कम्युनिटी चालू होने पर आप लोगों को तत्काल तत्काल मैसेज, जहाँ कहीं भी अपन लोग इकट्ठे होने वाले हैं उस सब कुछ अपन वहाँ डिसाइड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर जरूर करना है, क्योंकि आप लोग यदि वहाँ पर नहीं आओगे तो फिर कौन आएगा बताओ। हाँ सर वही कि नहीं, तो इसी सर पता कारण। एक काम करिएगा, आप जो टाइमिंग है ना लाइव टाइमिंग वो सेंड कर दीजिएगा, जो बच्चे अभी देख रहे होंगे ना तो लाइव पे आ जाएंगे, कमेंट करेंगे, जैसे उनका किसी का कल है तो वो कमेंट करके बता देगा आपको। हाँ तो टाइमिंग तो देखो, हर दिन मेरी वीडियो एक सुबह आती है, एक दोपहर आती है, एक शाम को आती है। ओके सर, इससे क्या है सर बहुत सा वो मिलेगा सपोर्ट। हाँ ये आपकी वीडियो कल गुड मॉर्निंग में सब लोगों के पास पहुंच जाएगी, गुड मॉर्निंग में मतलब 8 या 9 बजे। ओके सर, सर मेरा तो यही कहना है, जो बंदे से जो फेल होके आता है, जो देख के आता है, जो जैसे जो उन्हें क्लियर लगे कि हाँ ये सही है, कोई सही कह रहे हैं अपन लोग,
वो एक काम करे, अभी अगर लगता है उसे कि हाँ कोई सही बोल रहा है तो वो कुछ प्रूफ लेके आए अंदर से, कुछ ऐसी चीज लेके जाए जिससे प्रूफ हो जाए। हाँ अभी एक बंदा क्वालिफाई भी हो गया, लेकिन फिर वो कह रहा था सर धांधलेबाजी तो चल रही है, भले ही मेरे से साथ नहीं हुई लेकिन धांधलेबाजी वहाँ पे चल रही है। तो ऐसे बंदों की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ बंदे क्या सिलेक्ट हो जाते हैं तो स्वार्थी बन जाते हैं कि नहीं हमारा तो हो गया हमें क्या करना, समझ रहे हो। सही है सर, अपन को ऐसे बंदों की आवश्यकता है भले ही जिनका हो भी गया फिर भी वो अपने साथ खड़े हों, उसका सिलेक्शन हो गया फिर वो कह रहा है भैया धांधलेबाजी तो चल रही है सर। सर। मैंने तो सर आरटीआई का भी सोचा है कि मैं आरटीआई दे दूंगा, मैं अपना और अपने भाई का। हाँ सर, मैंने तो सोच रखा है सर, मेरे साथ अगर 100-500 बंदे जुड़ जाते हैं तो मैं केस खुद कर लूंगा केस। वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब बंदों की तो आवश्यकता है, अकेले तो अपन कुछ नहीं कर सकते ना, सर इसी कारण तो मैं भी लगा हुआ हूँ इसी यही करने के लिए, बंदों को जोड़ना है। ओके सर, बस आप उसको जल्दी से जल्दी बन के सब्सक्राइबर पर पहुंचा दीजिए, जिससे क्या है मैं कमेटी चालू हो जाएगी, उसके बाद ओके अपन सर, मैं कुछ नहीं कर सारे सकते। ग्रुपों में ये है ना जो वीडियो वो शेयर कर दूंगा। हाँ बिल्कुल शेयर कर देना, जिससे ये अभी चल रही है आप लाइव पहुंच जाइए जल्दी से जल्दी, उसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ओके सर, और जितने भी बंदे हमें सुन रहे हैं सभी से ये निवेदन है, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मुझे संपर्क कर लो, मेरा संपर्क सूत्र मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ 9303315375, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मेरा कोई विशेष स्वार्थ नहीं है, तो मैं आपसे इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन यदि अब भी आप साथ नहीं दोगे तो फिर आप ज़िंदगी में कभी किसी के साथ ले भी नहीं पाओगे, सही है कि नहीं। और सर सर मेरा बच्चों से कहने का निवेदन है कि ये कोई फ्रॉड चैनल नहीं है, बिल्कुल, जो भी है वो रियलिटी है। हम सब कुछ सबके सामने ही लेकर के आते हैं, क्योंकि कोई भी गुप्तगू करने का है ही नहीं अपन में। ओके सर, जो भी है जो रियलिटी है, यही कहना चाहता हूँ सर। नहीं तो बच्चे ये सोचते हैं ना कि ये रियलिटी नहीं है, हाँ, वीडियो बिल्कुल डाल देते हैं बना के, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि YouTube ने भरोसा तोड़ दिया लेकिन अपन ने भरोसा जोड़ दिया, सर अपन ने एक भी वीडियो फ्रॉड नहीं डाली। थैंक ओके सर, सर मैं यू। आपका वीडियो बहुत काफी दिन से देख रहा हूँ, हाँ सर। मेरा भाई सब्सक्राइब भी किया है इसे, मैंने भी कर लिया। उसके बाद मैंने सब्सक्राइब था तो मैसेज आया मेरे इनबॉक्स में, हाँ तो मैंने देखा कि हाँ लाइव, मैं यही सोच रहा था सर कब लाइव मिलोगे आप। लाइव मिल गए सर आज अपन। हाँ सर मिल गए, तो मैंने कॉल कर दिया आपको। ओके सर, थैंक यू सर, आपने जो है अपना कीमती समय दिया, और कीमती समय ठीक है लेकिन इसके लिए अपन को काम ज़्यादा करना होगा। सबसे पहला काम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पहले चैनल पर पहुंच जाए, उससे कम्युनिटी चालू हो जाएगी, तो अपन कोई भी मैसेज डालेंगे सब बंदों तक एक ही बार में फटाक से पहुंच जाएगा। और मेरे जितने भी भाई लोग हैं 1 तारीख से कहीं भी ट्रेड टेस्ट हो सारी की सारी वीडियो उसी चैनल पर आएंगी, क्योंकि जी जो MCG अकेडमी मेरा चैनल है इस पर जो अकेडमी क्लासेस सर बड़े बड़े टीचर अपने इस पर पढ़ाने लगे हैं, तो एकेडमिक क्लास जिन बंदे गरीब हैं जो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं अपने घर बैठे ही चैनल पर, 5 से 6 टीचर जो हमसे जुड़ चुके हैं टाई अप हो गया है सर, उनकी मार्केटिंग फीस देखी जाए तो 6 से 7 हज़ार रुपये जो अपने टीचर जो अपने चैनल पर आपको फ्री में पढ़ाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।